कस्बा हो, नुशहरा हो, मंजाकोट हो, साबजियाँ हो और भांडे चेचियाँ जैसे इलाके में, मनकोट जैसे इलाके में, उड़ी सारे सरहदों में रहने वाले लोग इस पाकिस्तान की नफाक हरकतों से दुखी जानते हैं और आज हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को भी करारा जवाब देने की ज़रूरत है, सिर्फ लिप सर्विस नहीं, क्योंकि आज जिस ढंग से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की जंग में लोग शामिल है, तो सरहदों में रहने वाले लोग कोरोना वायरस की जंग में भी और पाकिस्तान की नफाक हरकतों के साथ भी वो जंग के लिहाज से वो जूझ यहाँ पर हैं, लोगों की दिक्कतें यहाँ पर हैं, आए दिन शेलिंग यहाँ पे हो रही है, किसान वहाँ पे सर्दों में रहने वाला फसल की कटाई नहीं कर सकता, बच्चे घरों में बैठे उसकी शादी यहाँ पे होती है, जैसे मनकोट के इलाके में भी यहाँ पे हुआ, तो आज ज़रूरत है कि सख्त कार्रवाई करने की, सरहदों में रहने वाले लोग उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ पाए और आज जिस ढंग से दिक्कत यहाँ पे है पुंछ में रहने वाले एयर सर्विस का होना बड़ा ही ज़रूरी है, कितना लॉस ऑफ ब्लड इस पेशेंट जिसको हम देखने के लिए तीन बार सुंदरबनी और नौशहरा में भी जाके ब्लड का इतना बहना, तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, तो सरकार को चाहिए इस तरफ ध्यान दे पूरी तौर पे, जिस ढंग से पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी के साथ साथ ये सरहदों में गोलेबारी बम धमाकों की आवाज़ें रुक नहीं रही, कड़ा जवाब देने की ज़रूरत है, तो सिर्फ बयानबाजी के नहीं, उम्मीद करते हैं कि इसको कड़ा जवाब मिले और सीज फायर वायलेशन की उल्लंघना जिस ढंग से बढ़ती चली जा रही है कोई और हाथ से ना हो पाए, उसके लिए कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और हम सब लोग किस वक्त में उस सरकार के साथ ही होंगे जब पाकिस्तान के मुँह तोड़